हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होगी। गाइस आज भी बताने वाला हूँ तो कैसे फेस स्मूथ कर सकते हो एंड कैसे हेयर स्टाइल बनाएं। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मस्त होने वाला है, तो फटक से कर दीजिए एक लाइक एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और गाइस घंटी भी बजा देना हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस ज़्यादा देर ना करके चलो वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले आपने मोबाइल ओपन कर लेना एंड मोबाइल ओपन करने के बाद सिंपली गैलरी पर चले जाना एंड गैलरी पर जाके जिस फोटो को आप लोग हेयर स्टाइल बनाना चाहती हो वो सिंपली सिलेक्ट कर लेना एंड सेन ऑप्शन पर क्लिक करके ऑटोडेस्क स्केचबुक पर सिंपली क्लिक कर देना। देन गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फोटो आ चुका है। देन गाइस आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली ब्रश चूज कर लेना होगा। तो सिंपली ब्रश ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड स्क्रॉल करके नीचे चले जाना। आने के बाद गाइस देख सकते हो स्मूथ ये जो ग्यारह नंबर पर है यहाँ पर जो ब्रश है उसका लास्ट जो ब्रश है वो सिंपली सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग ऑप्शन पर चले जाना एंड इसको साइज कुछ इसी तरह छोटा कर लेना एंड फॉलो को 11 एंड स्मूथ को 10 पर रख देना। रखने के बाद सिंपली फोटो को जूम कर लेना एंड जूम करके कुछ ईयर के ऊपर कुछ इसी तरह करते रहना। तो गाइस मैं जल्दी से कर लेती हूँ, तो आप लोग धीरे से करना एंड अच्छे से करना। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट कर लेती हूँ। तो गाइस देख सकते हो हेयर को कुछ ऊपर की तरफ मैं कर लिया हूँ। तो मैं एक और चीज़ करूँगा, वो जो क्रेस्ट होता है ना वो मैं सिंपली कर लूँगा। तो करने के लिए सिंपली स्केल पर चले जाना एंड गट्स पर क्लिक करके ये जो स्केल है ये सिंपली सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करके कुछ इसी तरह से आपका हेयर के ऊपर रख देना। रख देने के बाद कुछ इसी तरह से आपका फोटो में करते रहना। देन गाइस देख सकते हैं मैं कर लिया हूँ। मैं सिंपली स्कॉल पर क्लिक करके कर दूंगा एंड अब मैं फेस को स्मूथ कर लूँगा। वो करने के लिए सिंपली ब्रश पर चले जाना एंड ये जो ब्रश है ये सिंपली सिलेक्ट कर लेना एंड सेटिंग पर क्लिक करके इसका फॉलो 4 और स्ट्रॉन्ग को 3 रख देना एंड साइज को आपका मुताबिक रख देना। मैं कुछ 16A रख देता हूँ। तो सिंपली रख देने के बाद जूम करके आपके स्पेस पर कुछ इसी तरह से घसते रहना। तो गाइस मैं जल्दी से कर लेती हूँ, आप लोग ध्यान से अच्छे से करना क्योंकि मैं धीरे से करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा म्यूजिक के मजा लो, मैं जल्दी से कर लेती हूँ। तो गाइस देख सकते हो मैं फोटो को स्मूथ कर लिया। अब मैं लाइट रूम के अंदर शेयर कर दूंगा। तो सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके अदर्स ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड यहाँ पर जो एडोबी लाइट रूम है यहाँ पर सिंपली टैप कर देना। तो गाइस देख सकते हो मैं लाइट रूम के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं फोटो को कुछ लाइट बढ़ा लूँगा। तो यहाँ पर लाइट है यहाँ पर सिंपली क्लिक करके एक्सपोजर को कुछ इसी तरह से हल्के से बढ़ा देना, कॉन्टेस्ट को माइनस की तरफ, हाईलाइट को भी माइनस कर देना एंड शैडो को कुछ बढ़ा देना, वाइट को भी बढ़ा देना एंड ब्लैक को माइनस की तरफ कर देना। करने के बाद राइट साइड पर चले जाना एंड कलर टूल्स पर क्लिक करके मिक्स टूल पर चले जाना एंड यहाँ पर जो ऑरेंज कलर है वो सिंपली सिलेक्ट कर लेना। करने के बाद सैचुरेशन को कुछ माइनस की तरफ कर देना, ह्यू को हल्के से बढ़ा देना एंड लुमिनस को भी बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद गाइस देख सकते हो हेयर के ऊपर कुछ कलर वगैरह आ चुका है। सिलेक्ट करने के बाद सैचुरेशन को माइनस कर देना एंड लुमिनस को हल्के से बढ़ा देना एंड मैं पिंक कलर पर भी चले जाती हूँ। जाने के बाद सैचुरेशन को माइनस कर देना एंड लुमिनस को हल्के से बढ़ा देना। एंड गाइस बैकग्राउंड को डार्क करना है तो सिंपली ग्रीन कलर पर चले जाना एंड सैचुरेशन को फुल्ली माइनस की तरफ कर देना एंड लुमिनस को हल्का से बढ़ा देना। उसके बाद येलो कलर पर चले जाना एंड सैचुरेशन को फुल्ली माइनस की तरफ कर देना और लुमिनस को हल्के से बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद गाइस देख सकते हो फेस के ऊपर कुछ रेड कलर आ चुका है। तो सिंपली रेड कलर पर सिलेक्ट कर लेना एंड सैचुरेशन को माइनस की तरफ कर देना एंड लुमिनस को हल्के से बढ़ा देना। करने के बाद गाइस सिंपली डन पर क्लिक कर देना एंड फिर से लाइट पर चले आना एंड ब्लैक को कुछ माइनस की तरफ कर देना। करने के बाद इफेक्ट पर चले आना एंड टेक्सचुअल को सिंपली हल्का से बढ़ा देना एंड क्लैरिटी भी हल्के से बढ़ा देना एंड विग्नेट को कुछ माइनस की तरफ कर देना, मिड पॉइंट को भी माइनस की तरफ एंड फेदर को प्लस की तरफ कर देना, गेन को हल्का से बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद डिटेल्स पर चले आना। आने के बाद सैचुरेशन को बढ़ा देना कुछ इसी तरह से एंड स्क्रॉल करके मार्क्सिंग टू फिंगर से कर लेना कुछ इसी तरह। करने के बाद नॉइस को हल्का से बढ़ा देना
एंड कलर नॉइस को भी फुल्ली बढ़ा देना एंड डिटेल्स को भी फुल्ली बढ़ा देना एंड स्मूथ को बढ़ा देना कुछ 80 के आसपास। करने के बाद फिर से राइट साइड पर चले आना एंड ऑप्टिक पर क्लिक करके ये दो ऑप्शन है वो सिंपली क्लिक कर देना। देन गाइस देख सकते हो फोटो बहुत ही मस्त हो चुका है। तो हमें क्या करना है, फोटो को सिंपली सेव कर लेना होगा। तो सिंपली शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट एज पर क्लिक कर देना एंड राइट पर क्लिक कर देना। तो गाइस फोटो सेव हो रहा है, तो कुछ देर वेट करना एंड देख सकते हो फोटो सेव हो चुका है। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो, आई होप गाइस वीडियो बहुत ही पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना एंड इसी तरह वीडियो देखना चाहती हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं ट्यूटोरियल ले आऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।